इंडिया नई सुबह के खास प्रोग्राम फेस टू फेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं हमवीर सिंह। आज हमसे बातचीत करने के लिए हमारी खास मेहमान है सुमन राव जी, जो कि एक डांस कोरियोग्राफर हैं। आइए जानें उनसे, उन्होंने अपने करियर की शुरुआत कब की, किसे प्रेरणा लेकर की और वो अभी कितने सफल मानते हैं अपने आप को। सुमन जी, आपका स्वागत है फेस टू फेस में। थैंक यू सो मच जी। सुमन जी, मैं जानना चाहता हूँ आपने अपने डांस के करियर की शुरुआत कब की, किससे प्रेरणा लेकर की। सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को, ऑडियंस को, जो हमें देख रहे हैं उनको मैं नमस्ते कहना चाहती हूँ। और आपने जो प्रश्न अभी मुझसे किया है उसका मैं उत्तर एकदम स्पष्ट दूंगी। स्टार्टिंग पहले तो एक डांस कोरियोग्राफर मैं हूँ जी। और किसी भी कोरियोग्राफर को पहले डांस उसका कंप्लीट अच्छे तरीके से हो तभी वो कोरियोग्राफर कहला सकता है, नहीं तो नहीं, सिर्फ नॉर्मल डांसर ही उसको हम बोल सकते हैं जी। पहली बात, अगर किसी को कोरियोग्राफर बनना है उसको प्रॉपर तरीके से ट्रेन होना चाहिए, ठीक है। वो ट्रेन हो, सब कुछ अच्छे से कर ले, बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशन, आई कॉन्टैक्ट, लिपसिंग, ये सारी चीज़ों का नॉलेज उनको होना चाहिए। जब डांस अच्छे से कंप्लीट होता है तब आप डांसर बनते हो, जी जी ठीक है। और डांसर बनने के बाद अगर आप किसी को ट्रेन करते हो, ट्रेन करते हो, तब आप कोरियोग्राफर बनते हो। सुमन जी, ये डांस कितने तरीके का होता है, कितने प्रकार? डांस बहुत सारे तरीकों के होते हैं। अच्छा। जैसे कि टाइप्स होते हैं, ठीक है, स्टाइल्स। बॉलीवुड हो गया, जैसे कि नॉर्मल देखते हैं हम लोग, जैसे कि मूवीज वगैरह में गर्ल्स वगैरह डांस करती हैं नॉर्मल तरीके से, जी। उस डांस को क्या बोलते हैं? बॉलीवुड स्टाइल जी। हाँ, और जैसे कि हम लोग वेस्टर्न करते हैं जी, वेस्टर्न हो गया। फिर अगर हम इंडियन की बात करें, इंडियन डांस फॉर्म, तो कथक हो गया, भरतनाट्यम हो गया, जी कथकली, ये सब चीज़ें हैं जो इंडियंस में आती हैं। रोबोटिक्स, कंटेम्प्रेरी, हिप हॉप, लिरिकल हिप हॉप, टर्टिंग, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो सुमन जी, आप कौन से डांस में परफेक्ट हैं, मतलब स्पेशलिस्ट हैं? ऐसे तो मैं फ्री स्टाइल करती हूँ जिसमें सारे स्टाइल्स आ जाते हैं जी। परफेक्ट तरीके से आप बोले तो मैं स्पेशलिस्ट किस चीज़ का? हाँ, मैं सबसे ज़्यादा रोबोटिक करती हूँ जी। मैं फिर उसके बाद फिर पॉपिंग करती हूँ जी और टर्टिंग करती हूँ, स्टंट जी करती हूँ मैं। अगर डांस लाइन में कोई अपना करियर बनाना चाहे कोई बच्चा, तो उसको क्या तैयारी करनी चाहिए और क्या प्लानिंग करनी चाहिए और क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? सबसे पहले ये, अगर कोई डांस के सर्कल में अपना करियर बनाना चाहता है जी, ठीक है, तो सबसे पहले उसको एक अपने लिए ट्रेनर ढूंढना चाहिए जी। क्योंकि जब तक होता है ये आप लाइन सुनते हो कि गुरु के बिना ज्ञान कभी नहीं होता है जी, ठीक है, तो वो चीज़ पहले मायने रखती है। डांस स्टार्ट करने के पहले आपको अपना बॉडी फ्री करना चाहिए। बॉडी इसलिए फ्री करना चाहिए, सडनली अगर कोई कभी डांस नहीं करते, नॉन डांसर होते हैं, वो जब डांस स्टार्ट करते हैं सडनली उनको स्टेप देना थोड़ा प्रॉब्लम होता है उनको कैच करने में, ठीक है। जब बॉडी आपकी फ्री हो जाती है, आप वार्म अप कर लेते हो, एक्सरसाइज कर लेते हो, तो बॉडी फ्री होने के बाद जो स्टेप है वो इजीली आपसे होने लगता है। और सबसे पहले सावधानियाँ, डांस में तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं कि आपको चोट लगे अगर आप स्टंट करते हो और जिमनास्टिक जी। कितने लोगों को ये भी नहीं पता कि स्टंट क्या होता है और जिमनास्टिक क्या होती है, ठीक है। स्टंट अलग होता है और जिमनास्टिक अलग होता है जी। उन सब चीज़ों में सावधानियां बरतनी होती है आपको कि कहीं आपको चोट ना लग जाए, ज़रा सी मिस्टेक की वजह से आपको अपना हाथ पाँव अच्छा गंवाना पड़ सकता है। हाँ ज़रूर जी, कि जो नन डांसर होते हैं उनको पता नहीं, वो जोश में आकर के नहीं वो कर सकता है, मैं भी कर लूँ। तो आपका कहना है कि सभी को देख रेख में जो स्पेशलिस्ट होते हैं हाँ, उसी में स्टंट करने चाहिए हाँ, बिल्कुल, और सावधानी बरतनी चाहिए हाँ। स्टंट के लिए जो स्पेशली जिमनास्टिक बैट होता है, जिमनास्टिक गद्दा होता है, उस पर पहले स्टार्ट करना चाहिए जी जी जी, क्योंकि अगर आप गिरो भी तो आपको चोट ना लगे जी। और कितनी चीजें होती है जहाँ पे रिवर्स होती है, नदियाँ, तो नदी में जो बालू होते हैं ना उस पर स्टंट करते हैं, उससे करने से क्या होता है ना कि गद्दे की आदत आपको छूट जाती है, आप कहीं भी कर सकते हो ऑन द स्पॉट, कहीं भी रोड पे होता है। कितने डांसर्स बॉयज होते हैं जो बैटल्स करते हैं आपस में, टक्कर करते हैं स्टंट का, तो जरूरी थोड़ी ना कि जब बैटल हो कहीं भी तो स्टेज ही तैयार हो जी जी। अच्छा सुमन जी, कोई डांस के क्षेत्र में कैरियर बनाना चाह रहा हो तो उसको क्या क्या आगे फ्यूचर में क्या क्या है, उनको मतलब क्या कहाँ तक पहुँच सकता है बंदा डांस के कैरियर में? जैसे कि पहले मैंने कहा कि ट्रेनर जरूरी है, ट्रेनर कहाँ तक हो सकता है? हाँ मैं बता रही हूँ, अगर ट्रेनर का क्या जरिया है इसमें, ट्रेनर अगर मिल जाए और ट्रेनर जब अच्छा हो, ठीक है, तो सबसे पहले आपको कॉम्पिटिशन्स वगैरह स्टार्ट करने चाहिए। डांस के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उससे क्या होता है ना, अगर आप स्टेज पे परफॉर्म करते हो आपका हेजिटेशन दूर होता है। अगर आप टिकटॉक या यूट्यूब वीडियोस बनाते हो
तो वो आपको बनाना चाहिए, कैमरा फेस करने की आदत होगी, जी क्योंकि जब आप किसी रियलिटी शो के लिए सिलेक्ट होते हो जी तो कैमरा फेस करना बहुत मुश्किल होता है। जी जी जज को आप डर से फेस भी कर लो, लेकिन कैमरे के सामने जब आते अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती जी है, तो ये तो बोलने के साथ आपको डांस भी करना है, तो जी डांस में तो आपको कैमरे को एकदम फोकस तो करना ही चाहिए। फेस करेंगे जब तक, तभी करियर आगे जाएगा, ऐसे जी नहीं। तो सुमन जी, आप डांस में अभी मुंबई में आप गए थे, अभी कुछ प्रोग्राम में टीवी पर हाँ जो आया था, हाँ वो कौन सा प्रोग्राम था आपका? और टीवी रियलिटी शो था जी, हमारा, वो कहाँ तक पहुँचे आप टीवी मैं रियलिटी गई शो में? थी। हाँ, हमारा क्रेजी डांसिंग स्टार था, जी वो आने वाला है क्रेजी डांसिंग स्टार। हमारा सिर्फ डांसिंग स्टार था जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था, जी उसमें हमारे फाइनल्स के जज थे जी और सरोज खान मैम, जी और डांस दीवाने के जो जज थे ये तुषार कालिया सर, जी वो थे, और टीवी सीरियल की जो स्टार है पूजा सिंह, जी जो आपने जानती है दिया और बाती जो सीरियल है ना, जी 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 जिसमें संध्या और सूरज है जी जी उनकी, हाँ संध्या की छोटी वाली, ये ननंद दे नहीं देवरानी, देवरानी जी हाँ एमिली उनका नाम था जी उसमें, जी वो थी हमारी फाइनल जज। मैं सेमीफाइनल्स तक पहुंची थी, जी क्योंकि मैं फाइनल्स तक भी जा सकती थी, मेरे को ये नहीं कि आप बोले कि ईगो है, एटीट्यूड है, घमंड है इनको अपने टैलेंट पे, ऐसा कुछ भी नहीं है। इतना था हिम्मत थी अंदर, इतना भरोसा था अपने टैलेंट पे कि मैं आगे जा सकती हूँ। होता है कितने बच्चों को ये नहीं पता है कि रियलिटी शोज में उनको लगता है डायरेक्ट ऑडिशन दिए सेलेक्ट हुए टीवी पे आ गए, ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जब भी कोई रियलिटी शोज होते हैं ना, मैं ऑडियंस को बताना चाहती हूँ, जी हमारी जो जनता है जो हमें देख रही है इस जी वक्त, जी ऑडियंस ये जब भी स्टार्ट होता है ना ऑडिशन, तो होते हैं जैसे कि आप गेम खेलते हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड लेवल होते हैं, राउंड्स होते हैं। जी तो नॉर्मल जब ऑडिशन स्टार्ट होता है, फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड थर्ड राउंड, मेगा में जी जैसे कि 10 सिटी हम लोग मान लेते हैं, 10 में ऑडिशन हमने करवाया, उसमें में से टॉप 10 टॉप 10 टॉप 10 करके टॉप 100 जी को सेलेक्ट किया हमने, फिर हमें क्या करना होता है, फिर मेगा राउंड में बुलाते हैं टॉप 100 को, जी उसमें से फिर हम टॉप 16 या टॉप 30 सेलेक्ट करते हैं, जी ठीक है, उसके बाद वो टीवी राउंड पे जाता है। ये नहीं कि सडनली देखते हैं ना कि होता है अरे बच्चा मेरा सेलेक्ट हो गया, ये हो गया वो हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है, उसके पहले बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, जी बहुत हार्ड वर्क होता है, बहुत स्ट्रगल होता है, तब जाके कोई रियलिटी शो अचीव होता है जी जी आपके जरिए, ठीक है, आपके शो के जरिए। मैं सबको बता रही हूँ कि ऑडिशन कैसे होता है, उसके प्रोसेस क्या होते हैं, कि पेरेंट्स को और बच्चों को आसानी हो। पहले फर्स्ट राउंड होता है जो आप नॉर्मल ऑडिशन देते हैं, अगर उसमें आप सेलेक्ट हुए तो आप सेकेंड राउंड के लिए जाओगे, ठीक है। कोई कोई ऑडिशन होता है ना, हर ऑडिशंस के हर शो के अलग अलग रूल होते हैं, जी जी ज़रूरी नहीं कि एक ही साथ सब कर लें, किसी मतलब किसी के ऑडिशंस में ये होते कि एक ही दिन फर्स्ट और सेकेंड दोनों करवा दिए, जी और किसी का होता है कि नहीं फर्स्ट आज करवाएं तो 1 सप्ताह या 10 दिन बाद फिर सेकेंड राउंड के लिए कॉल आता है, आपको कॉल या एमएसजी जाता है तभी आप सेलेक्ट हो, और नहीं जाता है तो आप सेलेक्ट नहीं हो नहीं हो। तो ऐसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये होता है मेगा में, आप जाते हो, जब मेगा में सेलेक्ट होते हो आप, तब जाकर आप टीवी रियलिटी शो के लिए टीवी राउंड पे आप सेलेक्ट होते हो, जी फिर वैसे ही करके आपका जो होता है एपिसोड्स स्टार्ट हो जाते हैं, एक एक करके बच्चे डिस्क्वालिफाई होते चले जाते हैं। होते चले जाते हैं, जो बचते हैं वो फाइनल्स में जाते हैं, और जो अच्छे होते हैं जो बेस्ट होते हैं वो विनर बन जाते हैं। अच्छा, तो आप फाइनल तक पहुंचे थे? नहीं, मैं सेमीफाइनल्स तक सेमीफाइनल तक पहुंचती पहुंचे थी, थे? जी जी और उसका मैं रीज़न भी मैं आपको बता दे रही हूँ। जी शोज में क्या होता है, टेक्निकल टेक्निकल होता है एक, जी जैसे कि हम लोग कैसे करते हैं कि चलिए डांस किए हम लोग, अपना स्टेप बनाए, प्रैक्टिस किए, तो स्टेज पे जाकर एक बार परफॉर्म करना होता है, 2 बार प्रैक्टिस जितना भी आपको करना है, उसको टेक्निकल हम लोग कहते हैं। टेक्निकल इसलिए हम लोग कहते हैं, वहाँ पे आपका कैमरा सेटअप है, ठीक है, रिकॉर्ड हो चाहे ना हो, आप जहाँ से आपकी एंट्री होगी, जहाँ पे आप स्टार्ट करोगे, जहाँ पे आप एंड करोगे, उस बीच में आपका ड्रेसअप कहीं पे मतलब तो ड्रेस नहीं फंस रहा है, या कहीं फिसल आप नहीं रहे हो, या कैमरा कैसे जाएगा, कैमरा मैन को भी वो आइडिया मिल जाता है कि बच्चे की एंट्री इधर से हो रही है, बच्चा फिर उधर एंड करेगा, जी जी तो कैमरे पे भी फोकस होता है, बच्चा भी कैमरे के साथ अच्छे से ये आई कांटेक्ट अपना कर लेता है, फेस कर लेता है, और टेक्निकल से ये पता हमें चलता है कि हमारे अंदर कितनी खामियां हैं या हमारे अंदर कितनी खूबियां जी हैं, जी ठीक है। तो टेक्निकल में मेरा ये मिस्टेक हुआ था कि जिस दिन मेरा टेक्निकल था सेमीफाइनल्स वाले दिन, मैं उस दिन टेक्निकल पे मैं गई थी, बट मैं स्टेज पे नहीं चढ़ी और ना मैंने प्रैक्टिस किया था, जी मेरी गलती ये, तो मुझे पता नहीं चला, अंदाजा नहीं मिला कि स्टेज कितना फिसल रहा है,
और मैं स्टंट, मैंने बताया भी कि मैं स्टंट करती हूँ, तो एक बीच में मेरे को स्टंट करना था, पहले स्टार्टिंग में मैंने स्टंट एक रखा था, और फिर एक बीच में और फिर एक एंड में मैंने रखा था, तीन स्टंट रखा था, लेकिन उस दिन मेरा एक स्टंट भी नहीं हो पाया, स्टेज इतना फिसल रहा था, इतना फिसल रहा था हमारे टेक्निकल पे, मैं गई नहीं थी, उसका पनिशमेंट मुझे उस टाइम मिल गया था। इसीलिए मैंने क्या, कुछ भी हो जाए कभी भी टेक्निकल इग्नोर नहीं करना चाहिए, आप कितने भी बिजी हो, अगर आप किसी रियलिटी शो के लिए सिलेक्ट हुए हो तो आप टेक्निकल पे ज़रूर पहुंचो, उससे आपको ये आइडिया मिलेगा कि स्टेज में प्रॉब्लम है या आपके अंदर प्रॉब्लम है। जी। तो उस दिन मेरा होता ना एक्सीडेंट हो गया था स्टंट के दौरान, कि मैं उधर टेक्निकल पे नहीं गई थी और मुझे कोई आइडिया नहीं था क्या होना क्या नहीं, और फिर मेरे गर्दन में चोट आ गई थी जी स्टंट की वजह से, तो मेरी गर्दन मुड़ गई थी। जी जी। मेरे साथ जो लोग थे, कभी होगा तो मैं शो में उनको लाऊंगी, आप पूछ सकते हो उनसे, वो बताएंगे कि हाँ कि सुमन मैम के साथ ऐसा हुआ था। तो 15 दिन का मेरे को रेस्ट मिल गया और फिर अगले ही दिन हमारा फाइनल्स था। अच्छा, इस वजह से आप मतलब नहीं हो पाए। या अच्छा सुमन जी, अभी आपकी क्या तैयारी चल रही है? अभी जितने भी रियलिटी शोज हैं मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया था, उसके बाद एक एक करके मैं शोज पे आती जा रही हूँ, और अभी मैंने स्टार्ट कर दिया जिस शोज में मैं सेलेक्ट हुई हूँ, मैं टीवी राउंड्स पे आई हूँ, उधर से ऑफर्स भी आते हैं, जो बच्चे बेस्ट करते हैं जी। तो उनको ऑफर्स आते हैं कि आपको जजमेंट करना है या आपको मूवी लाइन में जाना है जी जी। या आपको सिर्फ पैसे चाहिए, जो विनर बनते हैं उनको तो कैश मिलता ही है जी जी। और बाकी जो अच्छे होते हैं, जो जज लोग को अच्छे लगते हैं, डायरेक्टर को या फिर शो में जितने भी लोग टीम वर्क हैं, तो ऑफर मिलता है कि आपको क्या करना है। तो उसी दौरान मुझे भी ऑफर मिला, तो मैंने स्टार्ट किया, पहले मैं जजमेंट करना स्टार्ट कर रही हूँ, उसके बाद फिर जैसा होगा मैं देखूंगी आगे जाकर मूवी। ऐसे मैं कोरियोग्राफर ही रहना ज़्यादा पसंद करूंगी क्योंकि मैं बचपन से ही डांस करते आई, मुझे किसी ने, पहली बात तो मुझे किसी ने डांस नहीं सिखाया जी, मैं खुद की बदौलत हूँ जी। मेरी अगर कोई गुरु है ना हमवीर जी, तो मैं बताती हूँ मेरी माता रानी जी जी। क्योंकि गॉड गिफ्ट है, भगवान ने दिया है, भगवान को मान करके मैं आगे चलती हूँ। तो सुमन जी, अभी जैसे आप गया डिस्ट्रिक्ट में एक कोचिंग भी चलाती हैं डांस की। हाँ, मेरा खुद का है एकेडमी। तो मम्मी पापा का कितना सपोर्ट है आपको? मम्मा पापा, पहली बात तो ये कि मैं जिस जगह से हूँ हमवीर जी, मैं जिस जगह से हूँ वो बिहार है जी, और बिहार में, हमारे राज्य में, बिहार में भी जो जिला है वो गया है जी, हमारा गया, और गया में भी मैं जिस जगह पे रहती हूँ वो मानपुर है जी। ये मैं पहली बात तो मैं ये बोलना चाहती हूँ, किसी को प्लीज अगर बुरा लगा हो तो मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ। मेरा ये मानना है कोई भी इंसान सही या गलत नहीं होता, उसकी सोच उसे सही या गलत बनाती है। तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में क्या प्रॉब्लम है ना, 100 में से कुछ परसेंट लोग ऐसे हैं जिनकी सोच थोड़ी नेगेटिव जाती है, स्पेशली गर्ल्स लोग के लिए। अगर पढ़ाई करते हैं उसमें कमेंट, ड्रेसअप अगर उनका कुछ यूनिक हुआ उसमें कमेंट। भोजपुरी लाइन तो भोजपुरी फिल्में, भोजपुरी गाने, भोजपुरी एल्बम्स, वो तो साथ साथ ही परोस रहे हैं, मतलब इस तरह के गाने आप देखे रहोंगे, देखते होंगे। तो चलिए ठीक है, अच्छी बात है। तो सुमन जी, नहीं, आपने जो क्वेश्चन किया था कि मम्मा पापा का सपोर्ट, तो स्पेशली पापा का भी स्टार्टिंग में उतना सपोर्ट नहीं था जी जी, क्योंकि पापा चाहते थे मुझे सपोर्ट करना, लेकिन आसपास जो पड़ोसी थे वो दिक्कत कर रहे थे। हाँ, लेकिन मम्मा का शुरू से लेकर के, मेरी माता जी का शुरू से लेकर अभी तक बहुत सपोर्ट है, वो मेरे लिए सबसे, मतलब बातें वगैरह या फिर कुछ भी होता है वो सुन लेती हैं, मुझे समझाती हैं कि गुस्से में कोई भी फैसला नहीं लेना तो है। तो आप ये मानती हैं कि मम्मी और पापा और एक माता रानी आपकी जो आपको पीछे सपोर्ट कर रही हैं, आशीर्वाद है उनका जो आप आगे। और मेरे फैमिली मेंबर में नीरज भैया वो बेस्ट हैं, वो हमेशा मेरे को सपोर्ट करते हैं हर जगह से, हर तरीके से। और मेरे भैया एक आर्मी में हैं, कुलदीप भैया जी, वो भी काफ़ी सपोर्ट करते हैं। और एक पिंटू भैया जी हैं, वो दिल्ली में रहते हैं, वो भी काफ़ी सपोर्ट करते हैं। तो सुमन जी, हमारे माध्यम से आप दर्शकों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? ज़रूर, मैं ये आप लोग को मैसेज देना चाहती हूँ, डांस का टैलेंट हो, सिंगिंग का हो, एक्टिंग का हो या पढ़ाई का जी, आप जिस प्रोफेशन लाइन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, आप जिस सर्कल में जाना चाहते हैं, आपका जो ड्रीम है, जो एम है, वो कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आप मेहनत कीजिए, मेहनत नहीं, बहुत मेहनत कीजिए और खुद पे ट्रस्ट कीजिए, विश्वास कीजिए। अगर कोई भी इधर से कमेंट करे या कुछ भी सुनने में आए, उसको इग्नोर कीजिए। मैं जानती हूँ तकलीफ बहुत होती है, मैंने झेला है जी जी, तकलीफ बहुत होती है, बहुत दिल टूटता है, लेकिन हौसला कभी नहीं टूटना चाहिए। और स्पेशली मैं उन लोगों से ये कहना चाहती हूँ,
जो अपना करियर बनाना चाहते हैं, मम्मा पापा को किसी चीज़ के लिए भी जवाब आप ना दें, होता है पलट करके पेरेंट्स को जवाब देते हैं, वो ना करें, उनका ट्रस्ट कभी ना तोड़ें। और फ्रेंड्स वगैरह जो भी उनके होंगे, मैं उनको बोलना चाहती हूँ, अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को, आपके फैमिली के अंदर अगर किसी बच्चे में टैलेंट है तो प्लीज़ आप उसे ना रोकें, उसे आगे तक जाने में मदद करें, कोशिश करें कि वो अपना सपना पूरा करे और आपके शहर के साथ साथ आप सबका भी नाम रोशन करें।